हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फूल गोभी के पराठे। गोभी की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार फूल गोभी के पराठे इस तरीके से बना के ट्राई करें। इसके लिए गोभी को इस तरीके से तोड़ लें या फिर चाकू की हेल्प से काट लें और इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र करेंगे। इसे हम बॉयल करेंगे 10 मिनट के लिए। बॉयल करने से इसकी सारी गंदगी, जो भी कालापन है, साफ़ हो जाता है। इसमें ऐड करेंगे नमक, नमक से गोभी सॉफ्ट हो जाएगी, और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने से इसमें जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और हल्दी अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगी गोभी में। 10 मिनट हो चुके हैं और गोभी अच्छे से बॉयल हो चुकी है और सॉफ्ट भी हो चुकी है, और देखिए हल्दी भी कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है। तो इसे अभी हम छन्नी से छान लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और पेस्ट गीला ना हो, और इसे एक बाउल में डाल देंगे। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाले, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, या कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसे अच्छे से मैशर की हेल्प से मैश कर ले, या फिर आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी है गोभी कि ईजीली हाथ से मैश हो जाएंगी। अब हम डो तैयार कर लेते हैं पराठे बनाने के लिए। इसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कटोरी आटा लिया है, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल दें, और अजवाइन ली है, अजवाइन ज़रूर डालें। ये आटा भी लग के तैयार है। अब इसकी लोई बना लेंगे इस तरीके से, जितने साइज़ की लोई चाहिए आपको। मैं छोटी ही लोई ले रही हूँ, मीडियम साइज़ की। इसमें अब मसाला ऐड करेंगे। 3 चम्मच मसाला ले लिया है मैंने, और इसमें थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर दें। इससे मसाला जो है स्टेबल रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और मसाले को ऐसे प्रेस करते हुए चारों तरफ से आटे से बंद कर देंगे, और इसे इस तरीके से प्रेस कर दें और रोटी बेल लें। देखिए जैसे सिंपल रोटी बेलते हैं उसी तरीके से बेलना है इसे। और अब इसे हम सेक लेंगे, बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं निकला है, और बहुत ही इजीली पराठे बनके तैयार हो जाते हैं। दोनों तरफ से सेक लें, मैं घी से सेक रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल से भी सेक सकते हैं। मीडियम आँच पर ही सेकें, और देखिए गोभी के पराठे बनके तैयार हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से गोभी के पराठे बना के ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपके पराठे कैसे बने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।